हेलो व्यूवर्स, अनाना क्रिएशंस में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे होममेड मैंगो लिप बाम। इसे बनाना बहुत ही आसान है। ये मैंगो लिप बाम बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस होता है, क्योंकि हम इसमें मैंगो जूस या मैंगो पल्प का इस्तेमाल करते हैं और इसे एक अच्छा सा फ्लेवरेबल टेस्ट देने के लिए इसमें हम मैंगो पल्प यूज़ करते हैं, है ना। इसे बनाने के बाद हम इसे रेफ्रिजरेटर में 8 से 10 दिन तक रख सकते हैं और रूम टेम्परेचर पर हम इसे 3 से 4 दिन तक रख सकते हैं, है ना। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये पेट्रोलियम जेली लेंगे। हम ये 2 टीस्पून पेट्रोलियम जेली लेंगे, है ना। ये मेल्टेड पेट्रोलियम जेली है जिसे हमने डबल बॉइलिंग मेथड से मेल्ट कर लिया है ना। अब हम इसमें 1 टीस्पून आमंड ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून ग्लाइसरीन डालेंगे, है ना। और ये देखो, ये मैंगो का जूस है। हम ये पूरा फुल 1 टीस्पून इसमें मैंगो जूस डालेंगे, है ना। अब हम इन सब को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तमाम इंग्रेडिएंट्स को इतनी अच्छी तरह से मिक्स करना है कि हमें इसकी एक अच्छी सी स्मूथी मिल जाए, है ना। अब हम इसमें ये 1/2 टीस्पून फूड कलर यूज़ करेंगे। हमने ये फूड कलर इसलिए यूज़ किया है ताकि इसे एक अच्छा सा कलर मिल सके, है ना। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब हम इसे एक अच्छे से कंटेनर में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए ये शिफ्ट हो गया है। अब हम इसे फ्रीज करने फ्रिज में रख देंगे, है ना। ये देखिए अब 3 घंटे हो चुके हैं, हमारी फ्रीजिंग हो गई है। अब हम देखते हैं कि कैसे बना है। ये देखिए कितना अच्छा और शानदार बनकर ये तैयार हो गया है। अब हम इसे अपने स्किन पर ट्राई करके देखते हैं कि हमारा होममेड लिप बाम कैसे बना है। बहुत ही अच्छा और प्यारा बना है, है ना। तो आप भी अपना होममेड मैंगो लिप बाम घर पर बनाइए और अपने अनुभव अनाना क्रिएशंस के साथ शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।